गाइस आज के स्टडी में आपको ऐसे क्रीम से मिलवाने वाला हूँ जो कि आपके चेहरे से पुरानी झाइया और आपके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी आ रखी है, मतलब कि आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा कालापन आ चुका है, आपकी त्वचा सावली है उनको पूरे तरीके से जड़ से ख़त्म कर देगी। इसलिए आप लोग उसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके प्लीज़ एंड तक देखें। गाइस बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करते कि सर मेरे स्किन के ऊपर है ना बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, मेरा जो चेहरा है ना बहुत ही ज़्यादा काला पड़ चुका है। गाइस अगर आपकी स्किन सावले है या आप भी अपने चेहरे को गोरा करना चाहते हो ना तो आप महजबन स्किन वाइटनिंग क्रीम को यूज़ में लीजिए। एजो क्रीम आपके चेहरे से पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट को, झाइया को, झुरिया को, रिंकल्स को, फाइन लाइंस को पूरी तरीके से ख़त्म करती है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। और इसमें सारे हर्बल इंग्रेडिएंट डाले जो कि आपके स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है, जैसे कि अर्बुटिन हो गया, लाइकोपिन हो गया, विटामिन सी, विटामिन B3 जो कि आपके स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है। अगर आप इसको लाइफ टाइम भी यूज़ करना चाहते हो ना तो बिल्कुल इसमें ले सकते हो। गाइस आपको 25 ग्राम का जो पैक है आपको 1100 रुपये के आसपास मिल जाएगा जो कि ठीक ठाक है। गाइस इस क्रीम का जो रेट है ना पहले कम था, मतलब कि 1000 था, बट अब इसका जो प्राइस है ना बढ़ चुका है। अभी आपको 25 ग्राम का जो पैक है आपको 1100 रुपये के आसपास मिल जाएगा जो कि ठीक ठाक है। अगर आप इस क्रीम को ऑनलाइन बाय करना चाहते हो तो मैंने स्क्रीन के ऊपर नंबर दे रखा है, वहाँ से आप इस क्रीम को ओरिजिनल बाय कर सकते हो, ठीक है। और गाइस ये जो है एक प्रकार की नाइट क्रीम है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको ओनली नाइट में यूज़ में लीजिए। अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग किसी भी अच्छे फेस वॉश से अपने स्किन को वॉश करना है और उसके बाद आपको इस क्रीम को अपने स्किन पर अप्लाई करना और नाइट छोड़ देना है, और इस क्रीम की जो रिजल्ट है आपके स्किन के ऊपर 10-15 दिन के अंदर ही आने लगते हैं। अगर आप अपने चेहरे को गोरा करना चाहते हो तो कैसे आप कोई दूसरी क्रीम उसमें ले सकते हो, ये भी क्रीम आपके चेहरे को गोरा करती है, लेकिन यार ये जो क्रीम ना थोड़ी कॉस्टली, इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है या आपके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा झाइया या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा काली दिखती है तो आप इस क्रीम को बिल्कुल इसमें ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन ओनली गोरी हो जाए, आपकी स्किन फेयर हो जाए, तो फिर आप आउकड़ा क्रीम को यूज़ लीजिए। वो जो क्रीम आपके बजट के अंदर है वैसे आप इस क्रीम को भी इसमें ले सकते हो, ऐसा नहीं कि इस क्रीम से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। गाइस अगर आपका बजट है तभी आप इस क्रीम को यूज़ कीजिए क्योंकि इसका जो रेट थोड़ा ज़्यादा है। अगर आपका बजट नहीं है ना इतना तो आप आउकड़ा क्रीम को यूज़ लीजिए, वो जो क्रीम आपके लिए काफ़ी सही है। और आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है इन दोनों क्रीम के बारे में, तो नीचे कमेंट कर देना। गाइस अगर आपके चेहरे के ऊपर झाइया की प्रॉब्लम है या रिंकल्स की प्रॉब्लम है या आपके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा मेलाजमा की प्रॉब्लम है ना तो महजबन क्रीम आपके लिए काफ़ी बेस्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन ओनली गोरी हो जाए, मतलब आपके चेहरे के ऊपर झाइया की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका स्किन एकदम से ग्लो करे, आपकी स्किन फेयर हो जाए, तो आप आउकड़ा क्रीम को यूज़ लीजिए, ये जो क्रीम आपके लिए काफ़ी अच्छी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन, ओके बाय।